श्री दिनेश चतुर्वेदी जी और कोरबा के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के साथ कोरबा पहुंचकर एसपी से मुलाकात की। बहन तरुणा यादव को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर आत्महत्या पर मजबूर करने वाले ससुराल के सास ससुर पति देवर के ऊपर आईपीसी 306B धारा के तहत FIR अपराध पंजीबद्ध हुआ है। मृतक के पोस्टमार्टम में जहर से मौत बताया गया था। पीड़िता के पिता जो खुद शिक्षक हैं, उसको एक महीने से पैसा और राजनीतिक दबाव में थाने के चक्कर लगवाया जा रहा था और उनका FIR भी नहीं लिखा जा रहा था। पीड़िता के पिताजी ने श्री दिनेश चतुर्वेदी जी से संपर्क करके मदद मांगी, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री दिनेश चतुर्वेदी जी और कोरबा के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के साथ कोरबा SP से मुलाकात कर पीड़िता के पिता को प्राथमिक न्याय दिलाने में सफल हुए। लेकिन वहाँ के जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लगातार घुमावदार रवैये की वजह से अब तक उसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ। कहीं पर PM रिपोर्ट का हवाला था, कभी बिसरहा रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीड़ित पक्षों को टालते गए। इसलिए उसके पिताजी के द्वारा हम लोगों के जो संगठन है भीमरेज छत्तीसगढ़, उससे मदद की अपील की, तो उसके लिहाज हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर SP साहब जो है FIR करने का आश्वासन दिया। आश्वासन है, आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर किस तरह की? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम टुकड़ों में, क्योंकि पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्री का पुतला फूकेंगे। इसके अलावा और किसी से आपने भेंट की? नहीं, अभी तो SP साहब से, और SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले पर FIR होगा। 300 अपराध जो है 306 के अंतर्गत आश्वासन दिया। ऑफिस आए थे, क्या बातें हुई, किस तरह की चर्चा हुई आप लोगों की? मैं अब मैंने जी जिसका नाम है शर्मा यादव, मैं मतलब भागवत प्रसाद यादव के पुत्र राजेश उर्फ दीनदयाल यादव के साथ मैं विवाद किया था। जब मैं 4 तारीख को सुबह मेरे पास मतलब फोन आया, 7:30 जिस समय मैं नहा रहा था, तो मतलब लड़की जो मतलब रोटी की लाती बोली कि पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे, पापा मुझे आप अपने घर ले चले, पापा मुझे अपने साथ चले ले जाता, ऐसे करके जब लड़की बोली तो मैं घबरा गया। इसके बाद में फिर उससे फोन को छीन लिया मेरा दामाद दीनदयाल, और मैं उससे पूछा कि क्या मामला है, तो बोला कि कुछ कुछ नहीं बाबू जी, साथ टेंशन हो गया, मैंने कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोली। फिर मैं आधा दौरा नहाया था, नहा करके ड्राइवर के मतलब में अपने भाई भाई भर फोन लगाने लगा कि मतलब तुरंत करना के लिए क्या है कि ऐसे 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 मामला है, मामले कर रहे हैं और अभी लगना चुका है, आप लोग आओ, मेरे भाई भतीजे लोग रहते हैं, साथ गाँव में वहाँ का।